हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरएसके एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइजिंग इंडिया बाय आरएसके में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से अपना यूएन नंबर निकाल सकते हैं यानी कि देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी मतभेद आपकी कंपनी से हो जाता है तो वो आपको अपना यूएन नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं, या फिर आपका जो पीएफ जो आपके पर मंथ कटता है उसे आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूएन नंबर होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से अपना यूएन नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके आपको टाइप करना है EPFO। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहला वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। फ्रेंड्स, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको सबसे पहले इस पॉपअप को आपको क्लोज कर देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करना है यानी कि फॉर एम्प्लॉय। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे में आ जाना है वन एम्प्लॉय वन पीएफ अकाउंट, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना, यूएन नंबर जानना, किस किस प्रकार से आप KYC करवा सकते हैं, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना यूएन नंबर किस प्रकार से जान सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो यूएन नंबर है एक्टिवेट है या नहीं, उसे आप कैसे चेक करेंगे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस प्रकार से अपना यूएन नंबर को जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है नो योर यूएन। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपने कंपनी में दिया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको इस कैप्चा को इंटर करना है और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना OTP को इंटर कर देता हूँ और इसके बाद आपको इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारा OTP वैलिडेट हो गया है, तो सिंपली आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होके आएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना नाम इंटर करना है और इसके बाद यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेंबर आईडी में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को आपको सिलेक्ट करना है और उस डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे आपको नंबर लिखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपना आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करें। अगर आपका आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपका यूएन नंबर नहीं आता है तो आप पैन कार्ड सिलेक्ट करें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड को इंटर करता हूँ। इसके बाद इस कैप्चा को हम यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको शो माई यूएन पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका यूएन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसे आप पेपर पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम यह देखेंगे कि आपका जो यूएन नंबर है एक्टिवेट है या नहीं, और अगर एक्टिवेट नहीं है तो उसे आप किस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें।